जालंधर के हरबंस नगर स्थित मन्नत अस्पताल में 20 अक्टूबर से लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन गौशाला कमेटी के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें हर दिन 300 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इस दौरान पार्षद सुनीता रिंकू ने विशेष रूप से उपस्थित होकर वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की। इस मौके पर डॉक्टर रीमा कक्कड़ ने अपने अस्पताल के मेंबर्स का उन्हें अपना पूरा सहयोग देने पर उनका आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर योगेश मल्होत्रा, सरबजीत कौर, भूमि, मनप्रीत कौर, गोपाल, संदीप कौर, सोनी कुमारी और इशिका भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना कक्कड़ मन्नत हॉस्पिटल। तो 2 महीने तो लगातार असी रोज इंजेक्शन लगा रहे हैं, 300 तो ऊपर रोज डोज लग रही, 10 बजे तो लेके 6 बजे तक टाइमिंग्स है। असी टाइमिंग इस करके ज़्यादा रखे कि किसी क्षेत्र वासियों को कोई इतने तकलीफ ना होए, कोई प्रॉब्लम ना होए। 15 to 20 मिनट तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हर जिहड़ा भी कैंडीडेट आता है उन्हें आराम दे नाल, सहूलियत दे नाल टीका लग जाता है। और लगातार अक्टूबर ऑनवर्ड्स 20 अक्टूबर तो अज दिसंबर 28-29 तरीक हो गई है, लगातार असी रोज़ वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे हैं। और सारे क्षेत्र वासियों नूं मैं अपने वालों और मिसिज सुनीता रिंकू जी अज मेरे को आए हैं, उन्हां वालों कहना चाहवांगी कि करोना दोबारा आ रहा है, हजे वह गया नहीं है। तो तुहानूं यह बहुत जरूरी है कि तुसी वैक्सीन लगवाओ ता कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग इस बीमारी तो अपना बचाव करा सकन। तो पहला तो सारे जलंधर वासियों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। और मैं अज इत्थे मन्नत हॉस्पिटल विच वैक्सीनेशन लगवाउण आई हाँ। मेरी फस्ट डोज सी, तो मैं हॉस्पिटल दे डॉक्टर रीना कक्कड़ जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी करती हाँ और बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रशंसा भी करती हाँ, क्योंकि असं सारे जानते हैं कि पूरा देश पिछले साल तो जिहड़ी महामारी तो जूझ रहा है, उन्हें लिए यह वैक्सीनेशन लगाना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब बहुत वधिया काम कर रहे हैं इलाके विच और सबनों मोटिवेट भी कर रहे हैं कि सबनों इस बीमारी तो बचने लिए वैक्सीनेशन तो जरूर लगवानी चाहिए है, क्योंकि असं हम सारे जानते हैं कि थर्ड जिहड़ा हैगा एमिक्रॉन वह भी आ रहा है। सो इस करके सबनों मतलब मोटिवेट करो और इंजैक्शन लगवाओ। जिन्होंने इंजैक्शन नहीं लगवाया उन्होंने समझाओ कि यह इंजैक्शन लगाना उन्होंने परिवार के लिए बहुत जरूरी है। और इस दे नाल नाल ही मैं गौशाला कमेटी बस्ती गुजा उन्होंने जिन्हें भी बड़े सदस्य ने मैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हाँ, क्योंकि उन्होंने भी इतने बहुत ज़्यादा सहयोग है हॉस्पिटल में। सो मैं एक बार फिर डॉक्टर रीना कक्कड़ जी का और गौशाला कमेटी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हाँ।